सो हेलो गाइज, वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन अ न्यू वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आपको टॉयलेट एंड बाथरूम से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन साथ में वाटर कनेक्शन के ऊपर वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूँ। ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं होने वाला है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस होने वाला है। अगर आप डाउटफुल हैं कितने पॉइंट देने चाहिए टॉयलेट या बाथ में, कितने पावर पॉइंट होने चाहिए, कितने वाटर टैप पॉइंट होने चाहिए, तो ये वीडियो आपका काम आ सकता है। तो बने रहेगा वीडियो पे, मैं अभी ले चलूँगा अपने बाथरूम सेक्शन पे और फिर वहाँ पे दिखाऊँगा कि कितने पॉइंट आपको कनेक्ट करने चाहिए। सो गाइज, आज के इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे अगर आपके पास टॉयलेट और बाथरूम कॉम्बिन में है तो उसमें आपको कितने पावर पॉइंट देने चाहिए, कितने स्विचेस लगाने चाहिए, कितने लाइट लगाने चाहिए और कितने टैप्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, वो सारे आज वीडियो पे कवर करेंगे। अगर आपको डाउटफुल है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये है डोर है बाथरूम में एंटर करने के लिए, और उसके पास में ही हमने यहाँ पर दिया है स्विच। तो यहाँ पे हमने 3 स्विच लगाया हुआ है, 3 मॉड्यूल का हमारी बॉक्स है, जिसमें हमने एक लाइटनिंग कंट्रोल के लिए, एक फ़ैन के लिए है यानी एग्जॉस्ट फैन के लिए, और अभी एक हमारी डेड पॉइंट है यानी एक ओपन पॉइंट है। तो हम बाद में फ्यूचर में कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल है, इससे हम इसमें एंटर होते हैं। एंटर होते ही कुछ बात तो एक कॉम्बिनेशन में आप इस तरह से देख सकते हैं, 6x6 का साइज़ है। और एंटर करते ही अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे मिक्सिंग टैप देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने मिक्सिंग टैप यूज़ किया हुआ है, साथ में एक टैप यहाँ पे है और एक टैप यहाँ पे हमने फ्लॉसर के लिए यूज़ किया है, और साथ में इधर एक टैप और है। यहाँ पे हमने सीट यूज़ किया है इंडियन, आप वेस्टर्न भी यूज़ कर सकते हैं। 6x6 का अगर साइज़ है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वेस्टर्न पर जाइए, अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। तो सामने अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 पॉइंट हमने यहाँ पर और दिया हुआ है, ये गीजर पॉइंट है। तो गीजर पॉइंट की हाइट आपको बिल्कुल देख के देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो यहाँ पे हमें 2.5 फीट की जो है कनेक्शन पाइप लगानी पड़ी थी। थोड़ी और हाइट दे देते तो सिर्फ आपको 1 फीट या 1.5 फीट का लगा सकते थे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे शॉवर का पॉइंट है, अभी हमने यूज़ नहीं किया है। और साथ में आप यहाँ पर पावर पॉइंट 6 मॉड्यूल का पावर पॉइंट है, 16 एम्पेयर का है, जिसमें मैंने 1.6 स्क्वायर mm का वायर यूज़ किया है। आप अपने घर पर या कहीं पर भी पावर पॉइंट यूज़ करते हैं 1.5 स्क्वायर mm का वायर यूज़ किया गया ब्रांडेड कंपनी में। और अगर इस साइड में जाते हैं तो यहाँ पे हमने ग्लास के कुछ इस तरह से जो है लगाई है, जिसमें हम अपनी सामान वगैरह रख सकते हैं। ऊपर टॉप में अभी आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी वेंटिलेशन का पॉइंट अवेलेबल है, जहाँ पे अभी एग्जॉस्ट फैन लगना बाकी है, जिसके लिए पॉइंट मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, तो वहाँ से वो फैन कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने वो यूज़ नहीं किया है, और साथ में एक यहाँ पे भी है बट अभी मैंने यहाँ पे भी यूज़ नहीं किया है। और सीलिंग पे मैंने 2 लाइट लगाया हुआ है, जिससे आप देख रहे हैं सीलिंग पे 2 लाइट है, कंसील लाइट है। और यहाँ पे गीजर माउंटेड है मॉर्फी रिचर्ड का, डिजिटल में काफ़ी अच्छा है, लेना चाहे तो आप भी ले सकते हैं। और इस साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे दरवाज़ा, और वहाँ पर ड्रेन पॉइंट है। सो दैट्स मोस्ट गाइस, आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें टॉयलेट में कितने पावर पॉइंट देने चाहिए, कितने लाइटनिंग देनी चाहिए, कितनी स्विच देनी चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन के लिए ध्यान रखना है आपको, गीजर पॉइंट के लिए ध्यान रखनी है, बाकी टैप्स की आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, मिक्सिंग टैप लगानी है, नॉर्मल टैप लगानी है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और पावर पॉइंट खास कर दीजिएगा, क्योंकि टॉयलेट में पावर पॉइंट रिक्वायर्ड होती है आपकी गीजर के लिए। अगर आप सोलर गीजर लगाते हैं तो इसकी रिक्वायर्ड नहीं होगी, तो भी आप अपने टॉयलेट या बाथ में पावर पॉइंट जरूर दीजिएगा अगर आप सोलर गीजर भी यूज़ करते हैं। तो फ्यूचर में यूज़ हो जाते हैं, कभी सोलर गीजर का आपका काम नहीं किया तो हीटर भी यूज़ कर सकते हैं पानी बॉयल करने के लिए। सो गाइज, आज के इस वीडियो पे मैंने आपको बताया कैसे जो है आप अपने टॉयलेट या बाथ में जो है पावर सप्लाई कनेक्ट कर सकते हैं, इवन वाटर टैप्स कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो से आइडियाज़ तो हो ही गए होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक ले जय हिंद जय भारत।